काफी सारी प्रेग्नेंट वुमेन को खाने पीने से लेकर काफी गलत फहमियां होती हैं, जैसे कि यदि वो खाना खाना है तो उसको दो लोगों का खाना खाना है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि उसको दो लोगों का खाना खाना है, उसको अपनी नॉर्मल डाइट लेनी है और एक एक्स्ट्रा मील लेनी है, दैट इज ऑफ 300 कैलोरीज। यदि वो ज्यादा खाना खाएगी तो ऐसा नहीं है बच्चे को लगेगा, वो सिर्फ उसी को ही लगेगा। सेकेंड मिथ होता है कि वो डार्क कलर का खाना खाएगी तो बच्चा काला हो जाएगा और लाइट कलर का खाना खाएगी तो बच्चा गोरा हो जाएगा। ये भी बिल्कुल गलत है। बच्चे का कलर उसके माता पिता का जीन डिसाइड करता है, ना कि खाना। जो मर्जी खाना खाए, खाना न्यूट्रिशियस और हेल्दी होना चाहिए। थर्ड मिथ है कि पपीता और अनानास प्रेगनेंसी में नहीं खाना चाहिए। पपीता और अनानास प्रेगनेंसी में आराम से खा सकते हैं, थोड़े अमाउंट में खा सकते हैं। प्रॉब्लम क्या होती है कि कच्चा पपीता खाने से या फिर उसके बीज बहुत ज़्यादा अमाउंट में खाने से पेपेन एंजाइम निकलता है, जिसकी वजह से अबॉर्शन होने का रिस्क है। यदि आप बहुत एक्सेस अमाउंट में खाओगे, वो भी कच्चा पपीता, जो कि जनरली हम लोग नहीं खाते हैं, तो आप पपीता और अनानास खा सकते हैं। पर अनानास उन लोगों को नहीं खाना है जिनको एलर्जी होती है। एग्स गर्म होते हैं, उसको खाने से गर्मी आती है शरीर में, ये भी गलत है। एग्स आर वेरी हेल्दी, वेरी न्यूट्रिशियस, आप एक से दो एग आराम से खा सकते हैं। बहुत ज़्यादा एग्स आपको प्रेगनेंसी में नहीं खाने हैं। एक और मिथ है कि 9वें महीने में आपको फैटी आइटम्स खूब खानी है और माँ की दाल खानी है, जिससे नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। ये भी गलत है। आप फैटी आइटम्स खाएंगे, वो ऐसा नहीं है कि आपके योनि मार्ग या फिर बच्चेदानी में चिपक जाएंगे जाके, वो आपके आंतड़ियों से होते हुए लैट्रिन के रास्ते निकल जाएंगे, उससे बच्चा नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस बढ़ते नहीं है, वो एज इट इज़ ही रहते हैं। प्रेगनेंसी में आपको नॉर्मल खाना खाना चाहिए, हेल्दी खाना खाना चाहिए, एवरेज अमाउंट में खाना चाहिए, एक्सेस में कोई भी चीज़ नहीं खानी चाहिए। आप सब कुछ खाइए हेल्दी न्यूट्रिशियस और प्रेगनेंसी अपनी अच्छी तरीके से निकालिए।